नमस्कार, हमारा टॉपिक चल रहा था वार्ता और उसकी स्पष्ट रेखा। वार्ता है उसकी स्पष्ट रेखा। अब उनके बारे में खूब सारी बात भी कर चुके हैं, कुछ सवालों की बात है करते हैं आज। जैसे आप सब जानते हो, ये हमारे पास एक वर्त है। मान लो यहां कोई बाहर एक बिंदु था पी, इससे केंद्र मान लो क्या है ओ है। इस बारे बिंदु P से क्या होगा, इस वर्त पर क्या होगा, हमने स्पष्ट रेखा खींची। मालूम है कितनी खींची है कि वो दो, ये मान लीजिए पैसा हमने क्या खींची। अब ये दो स्पष्ट रेखा खींची, इसका मतलब ये दोनों स्पष्ट रेखा क्या करेगी, वर्त की परिधि को दो बिंदुओं पर स्पर्श करेगी। इसको नाम दिया A, दूसरा नाम दिया B। फिर क्या हुआ कि O को P से मिलाया, O को P से मिलाया, और हमें ये दोनों बिंदु जो मिले A और B, इनको मिलाने से हमें जीवा प्राप्त होगी, कौन सी ए बी प्राप्त हो गई। अब हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये ओपी है ना ए बी जीवा, ए बी जीवा को समद्विभाजित करती है, ये सिद्ध करके दिखाना है हमें। ये सिद्ध करना है कि ये ए बी जो जीवा है ओपी के द्वारा क्या होती है, समद्विभाजित होती है। उससे पहले दिया है, क्या दिया कि केंद्र ओ वाले वर्त की दो जीवाएं एपी और बीपी, ठीक है। फिर सिद्ध करना है, क्या करना है कि ओपी एपी को समद्विभाजित करती है। आने को नाम समद्विभाजन भी आ सकता था। अब बात करते हैं उपपत्ति से, रचना की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, ए को मिला दिया ओ से और बी को भी मिला दिया ओ से। हमें सिद्ध करना है कि ए बी ओपी के द्वारा समद्विभाजित होती है, इसको नाम दे दिया मैंने क्यों दे दिया। हमें यह सिद्ध करना है कि ए पी बराबर क्या है, ए टू बराबर क्या है, बी क्यू है, ये सिद्ध करके दिखाना है। अब देखिए आप जो त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी, तो क्या होगा यहां से देखो, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा ओ बी, ए की वर्त की है। क्या होती है समान। दूसरा ओ पी बराबर क्या है ओ पी, कारण क्या होंगे उभे निष्ठ। फिर तीसरा ए पी बराबर क्या हो गया हमारे पास है बी पी हो गया, ठीक है। फिर क्या है कारण क्या होंगे स्पर्श रेखा, लंबाइयों में क्या होती है समान। अब क्या हुआ कि त्रिभुज ओ ए पी समान सम हो गया किसके, त्रिभुज ओ बी पी के, कौन से नियम से, समान समता के एस 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 नियम से। फिर देखो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए समान सम, इसलिए क्या हुआ इस वाले त्रिभुज के और इस वाले त्रिभुज की तीनों हो जाएंगे समान है, तीनों कोण भी क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे, तो इसलिए क्या हुआ ये वाला कोण क्या हो जाएगा इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण ए क्यू ए ओ क्यू, एक आप सीधे नाम ही दे दो बात ही खत्म, इसको नाम दिया मैंने ए, इसको दे दिया दो, इसलिए क्या हुआ कि कोण ए बराबर क्या हो गया कोण दो। कारण क्या रखोगे समान सम त्रिभुजों के संगत कोण, ठीक है। अब देखो त्रिभुज कौन सा, अब हमें सिद्ध कर रहे हैं कि ए क्यू और बी क्यू की बात कर रहे हैं, तो देखो त्रिभुज कौन सा ए ओ क्यू वह त्रिभुज बी ओ क्यू, ठीक है। तो इससे क्या होगा देखो आप कि ओ ए बराबर है ओ बी, कारण क्या लिखोगे एक ही वर्त की त्रिज्या, एक ही वर्त की त्रिज्या।
फिर दूसरा आपको कोण ए बराबर दिया हुआ है कोण दो बाय इक्वेशन फर्स्ट दे दी इसको, है ना, बाय इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखो ओ क्यू बराबर क्या है, ओ क्यू ये क्या है हमारे पास है उबे निष्ठ, इसलिए क्या हुआ त्रिभुज ए ओ क्यू सर्वांग सम हो गया किसके त्रिभुज बी ओ क्यू के, कौन से नियम से एस ए एस नियम से। अब ये छोटे वाले त्रिभुज दोनों क्या होंगे सर्वांग सम, अब सर्वांग सम है तो किसी बात सारे कोण बराबर होंगे, सारे क्या होंगे भुजाएं भी क्या होंगी बराबर होंगी, इसका मतलब क्या हुआ ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू, कारण क्या देखोगे सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं, ये आपका सिद्ध करना था। अब ये पूछ सकता था कि हमें कि लंब संधि भाज्य करता है तो पोटेंशियल नहीं थी उसमें भी, अब देखो ये कोण इस कोण के क्या हो गया बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम है, अब दोनों कोण बराबर है साथ में क्या है देखो इन दोनों का योग कितना है 180 होगा क्योंकि दोनों क्या है रेखीय कोणीय युग्म है, तो ये कितना मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा। आपको इससे भी संधि भाज्य कर सकता था लंब संधि भाज्य करते हैं तो फिर आपको सिद्ध करना पड़ता कि दोनों कोण क्या है 90 डिग्री के है, आप कर सकते थे ना क्योंकि दोनों बराबर है और दोनों का योग कितना है 180 है, तो एक को कितना मिलेगा 90 डिग्री मिलने वाला है। अब देखो इसे प्रमेय एक जैसे कहती है आपकी एक बढ़ता है उसकी एक स्पष्ट रेखा है, ये मान लेना पास स्पष्ट रेखा है, इसको नाम दे दिया हमने P और Q दे दिया, इसको नाम दे दिया आपने R, ठीक है। अब इसे स्पर्श बिंदु पर क्या है एक जीवा है, ऐसे ये मान लो मेरे पास जीवा है, इसको नाम दे दिया मैंने यहां पे दे दिया इसको A दे दिया ना, ठीक है, यही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है R इसको नाम दिया A। अब देखो कि इस जीवा द्वारा इस स्पर्श रेखा के साथ बनाएंगे कोण, एक तो नंबर एक दूसरा बनाया गया दो, इस जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण और इसी जीवा द्वारा एकांतरवर्त खंड में बने कोण, मतलब इससे जीवा के लिए एकांतरवर्त खंड, इस मतलब ये कोण है इस कोण के लिए एकांतरवर्त खंड कौन सा होगा ये वाला होगा और दो वाले के लिए क्या होगा एकांतरवर्त खंड क्या होगा जीवा का होगा। आपने एक आंतर देखे याद किया था उनके मुंह क्या होना चाहिए विपरीत होना चाहिए, वो एक इस तरफ बनता है दूसरा इस तरफ बनना चाहिए, वही बात है कि ये एक नंबर कोण क्या होगा इस तरफ जो कोण बढ़ेगा इस जीवा द्वारा, मतलब कह सकते हैं कि मान लो ऐसे बना ये ऐसे, तो ये कोण इसको नाम दिया मैंने तीन, कि कोण नंबर एक क्या होता है कोण नंबर तीन के बराबर होता है, इसको नाम दे दिया मैंने बी, वही काम है कि हां भी कोण बनेगा ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा कि कोण नंबर दो किसके बराबर है कोण नंबर इसको नाम दिया चार के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। पहले लिखते हैं कथन, वर्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बने कोण उसी जीवा द्वारा एकांतर वर्त खंडों में बने कोणों के बराबर होते हैं, ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि कोण एक बराबर तीन है और दो बराबर क्या है चार, सबसे पहले दिया के अंदर ओ वाले वर्त की एक स्पर्श रेखा पी क्यू है जो वर्त को बिंदु
आर पर स्पर्श करती तथा बिंदु पी आर से गुजरने वाली जीवा ए आर है। ये तो हमें दिया हुआ था, अब सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि कौन एक बराबर है कौन तीन के और है, और कौन दो बराबर है कौन है चार के। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब बात करते हैं रचना, ठीक है। मान लो यहां इसका क्या है, केंद्र है। क्या करेंगे कि यहां से आर से मैंने क्या व्यास खींचा, क्या खींचा व्यास, जो इस सिर पे मान लो उसको नाम दे दिया पी क्यू आर, इसको नाम दे दिया मैंने एस। एस पर प्रतिच्छेद करता है और एस को किससे मिला दिया हमने, ए से मिला दिया। हम लिखेंगे एस आर व्यास खींचा तथा एस को ए से मिलाया, ठीक है। अब बात करते हैं उपपद की। देखो ध्यान से आप कि कौन एस ए आर बराबर क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि व्यास व्यास द्वारा प्रतिबंधित कौन, जहां फिर हम कह सकते हैं अर्धवृत्त में बना कौन, अर्धवृत्त में बना क्या होता है समकोण होता है। अब ये वाला कोण तो क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये 90 हो गया तो त्रिभुज देखो कौन सा, त्रिभुज एस ए आर, ठीक है। जब ये कोण यानी कि 90 है तो इन दोनों के लिए कितना बचा, फिर 90 बचेगा। बताओ कि कोण एस ए आर प्लस कोण ए आर एस प्लस कोण आर एस ए बराबर क्या होगा 180 डिग्री। ये कांड का आपको बताने जरूरत नहीं है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब एस ए आर इसका मान कितना है 90 डिग्री, तो कोण ए आर एस प्लस कोण आर एस ए बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 180। तो कोण ए आर एस प्लस कोण आर एस ए बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी है, मतलब इसका और इसका योग क्या है हमारे पास 90 डिग्री है। अब देखिए आगे, अब देखो कोण नंबर एक प्लस कोण ए आर एस मतलब ये वाला कोण और दूसरा ये वाला कोण, इन दोनों को मिलाए तो देखो ध्यान से ये क्या है हमारी केंद्र ओ है, तो ओ आर ये क्या हमारी त्रिज्या है, वो ये क्या है स्पर्श रेखा। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है, इसका मतलब ये वाला कोण क्या होगा हमारा 90 डिग्री होने वाला है। ये 90 डिग्री क्या कह दोगे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है। इसको नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर मैंने दो दे दिया। अब देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर एक और दो को देखो, एक साइड इसकी क्या है बराबर है, दूसरा साइड भी क्या होगी इसकी बराबर होने वाली है। इसका मतलब कोण ए प्लस कोण ए आर एस बराबर क्या होगा कोण ए आर एस प्लस कोण आर एस ए, ठीक है। अब ये दोनों क्या है सेम है, ये इधर आए चाहे इधर आए दोनों बराबर कट गए, कोण ए बराबर क्या होगा कोण आर एस ए हो जाएगा, कौन आर एस ए हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हमारे पास है तीन, मतलब ये वाला कोण एक नंबर है वो किसके बराबर हो गया, इस वाले कोण के बराबर हो गया। अब देखो मैं लिख रहा हूं कि कौन आर या किसके कोण नंबर तीन बराबर क्या है
आर एस ए है। मैं कहूंगी कौन नंबर तीन भी क्या है इसके बराबर है, नाम क्या लिखोगे, एक ही जीवा, कौन सी आर ए या फिर ए आर द्वारा प्रिधि पर अंतरित प्रिधि पर अंतरित और फिर इक्वेशन नंबर चार। तो बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ एक साइड बराबर है, दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी इसकी बराबर है। ये पहली चीज तो क्या हुआ इसका सिद्ध हमने कर दिया। अब देखें कि कौन ए प्लस कौन दो बराबर कितना 180 डिग्री, कारण क्या हुए रैखिक कौन युग्म, ठीक है। इसी प्रकार देखो कि क्या आप देख सकते हो कि कौन तीन प्लस कौन चार बराबर क्या हुआ 180 डिग्री। इसको देखो ध्यान से यहां पे कि आप कह सकते हो कि R इसको नाम नहीं दिया, इसको नाम देते हैं बी सी दिया इसको ना R C A B, ठीक है। यानी कि क्या हो गया एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, तो लिख सकते हो आप चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चतुर्भुज के एक दो तीन और चार चारों से क्या पद की वृद्धि पर है क्या हो गया चक्रीय चतुर्भुज हो गया, यानी कोण बी और सी इनका योग क्या होगा 180 डिग्री, जिनको नाम देने क्या है तीन और चार। अब देखो इनकी एक साइड क्या है बराबर है, तो दूसरी साइड भी क्या होगी इसकी बराबर, यानी कि कोण एक प्लस कोण दो बराबर क्या होगा कोण तीन प्लस कोण चार, जबकि कोण एक किसके बराबर है तीन के बराबर। ये घट सक गया हमारे पास क्या बचेगा कोण दो बराबर कोण चार। आप इसे तो बाय इक्वेशन है फाइव पांच से मालूम है कि एक बराबर क्या है तीन है, यहां से क्या घट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचा कोण दो बराबर चार, ये तो हमें सिद्ध करने। फिर देखो आप ये भी अच्छा सवाल है, जैसे आपको ना एक आधा वक्त दिया हुआ है आधा ऐसे कोई आपको आधा वक्त दे दिया ऐसे, ये इसका व्यास इसको नाम दिया हुआ है ए बी दिया। फिर क्या हुआ कि इसके बीचों बीच क्या होगा इसका केंद्र था ओ नाम दे दिया। अब क्या हुआ कि इसकी त्रिज्या को व्यास मान के दो अर्धवृत्त और बनाए गए, मतलब ऐसे क्या कर दिया उसने आधे आधे वृत्त और बना दिए हैं, ठीक है आधे आधे वृत्त और बना दिए हैं ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहां जगह बची यहां पे क्या कर दिया उसने एक और वृत्त बनाया हुआ है ऐसे, जो क्या करता है इन दोनों अर्धवृत्तों और ऊपर वाले बड़े वाले अर्धवृत्त को उसको क्या करता है स्पर्श करता है, ठीक है। इस प्रकार का सवाल है। फिर हमें कहा हुआ है कि इसका केंद्र मान लो कोई था मान लो कोई भी है मान लो पी के लिए इसका ना पी इसका क्या है केंद्र है। अब इस पे पी वाले इस केंद्र वाले वृत्त के लिए आपको त्रिज्या दी हुई है क्या आर दी हुई है, क्या दी हुई है आर छोटा वाला आर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि सिद्ध करके दिखाओ इस प्रकार का चित्र है, वो ये देखो आप ध्यान से कि उसके बाद सिद्ध करके दिखाओ कि जो आर है वो क्या है एबी का छठा भाग है, एबी का छठा भाग है, ये सिद्ध करके दिखाना है हमें। यानी कि इस वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या है बड़े वाला जो होता है ना हमारे पास एबी इसका क्या छठा भाग है। अब देखो क्या करते हैं, मान लो कि मैंने क्या मान लिया इसको फोर ए मान लिया, ठीक है। कैसे करेंगे हम सवाल को इसको सबसे पहले दिया, ठीक है व्यास ए बी की त्रिज्या है इसको नाम दिया ओ ए व ओ बी को व्यास मान कर दो अर्धवृत्त खींचे गए हैं तथा एक अन्य वृत्त जिसकी त्रिज्या
आर है, बड़े अर्धवृत्त यानी कि तीनों अर्धवृत्तों जो तीनों अर्धवृत्तों को स्पर्श करता ऐसे। अब आपने क्या किया, आपको दिया इसको यानी कि मिलाया गया सीधे से ऐसे मिला दिया आपको ऐसे। अब इसके बाद करते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या सिद्ध करना है कि आर बराबर क्या है एक बटा में छे ए बी है। फिर आप बात करते हैं ऊपर आपने क्या किया ए बी बराबर मान लिया चार ए, या आपने क्या दिया माना ठीक है। फिर उसके बाद देखो आप ओ ए बराबर क्या आ जाएगा ओ बी बराबर क्या आ जाएगा टू ए ठीक है। इसका भी को केंद्र होगा, इसका भी क्या होगा केंद्र होगा, इसको ना केंद्र नाम सी इसको नाम दिया ए तथा ओ सी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास ए आ जाएगा यानी कि ये भी ए ये भी ए ये भी ए और ये भी क्या हो गया ए। इस प्रकार क्या हो गया हमारे पास चार ए बन गया। अब देखो इसको नाम देते हैं कुछ है, इसको नाम दे दिया मैंने ई और साथ में ओ ई भी क्या होगी टू ए, तो मैं यहां लिखता हूं ओ ई वो भी क्या होने वाली है टू ए क्योंकि ये क्या देखो केंद्र था बड़े वाले के लिए, ये भी क्या इसकी त्रिज्या है ये भी इसकी त्रिज्या है और ये भी क्या इसकी त्रिज्या है ठीक है। अब देखो उसके बाद ध्यान से अब मैंने क्या किया इसके केंद्र पी को क्या किया सी से मिला तो हमारे को क्या प्राप्त हो गया एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया क्योंकि ये क्या है इसकी त्रिज्या है ठीक है, ये क्या लंबवत की जगह है ये क्या बन गया हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब आप ध्यान से देखो कि इस वाले अर्धवृत्त के लिए इस वाले अर्धवृत्त की बात करता हूं, इस वाले अर्धवृत्त के लिए व्यास तो टू ए है तो इसकी त्रिज्या क्या हमारे पास ए है क्या है ए, इसको नाम दे दिया मैंने आर यानी कि सी आर तो क्या होगी ए हो जाएगी। अब देखो पी आर क्या होगा जितना ए उतना ही क्या होगा ये वाला होगा, इसका मतलब सी से लेके पी तक का मान क्या हो जाएगा ए प्लस आर हो जाएगा। अब बात करते हैं ओपी, ओपी क्या होगा ओपी ओपी कैसे निकालेंगे मैं पूरी में से मतलब ओई में से क्या करा दू ओई ओई कितना हमारे पास टू ए है उसमें से क्या बढ़ाऊंगा PE तो PE कितनी है हमारे पास R है तो हमारे पास क्या आ जाएगा OP का मान आ जाएगा 2A माइनस R। ये सब मैंने चीजें बता रहा हूं आपको, देखो ये त्रिज्या ये भी त्रिज्या और ये भी क्या है त्रिज्या, जब ये एक है तो ये भी क्या होगा A होगा। फिर इसके बाद देखो आप ये पूरी क्या हमारे पास 2A है क्या हमारे पास है 2A है ये R है और ये भी क्या है R होगी। अब देखो पूरी 2a हमें क्या चाहिए ये वाली, अगर मैं इसे पूरी में से क्या घटा दूं r घटा तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा 2a माइनस r। मैं ये क्यों निकाल रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि समकोण त्रिभुज में क्या लगती है पाइथागोरस प्रमेय लगती है वो हम यहां लगा सकें तो अब लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय अपने आप सवाल हल हो जाएगा ठीक है। oc अब देखो oc बराबर क्या है हमारे पास a और pr बराबर क्या होगा r और फिर देखो तथा हम लिखेंगे ओ पी बराबर क्या होगा हमारे पास ओ ई माइनस पी ई यानी कि टू ए माइनस आर। अब लगाते हैं समकोण त्रिभुज कौन सा सी ओ पी सी ओ पी सी ओ पी की बात कर रहे हैं तो सी ओ पी में क्या लगेगी पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस बराबर क्या होगा लिख दिया ओ सी की स्क्वायर प्लस ओ पी की स्क्वायर सी पी सी से लेकर पी कितना हो जाएगा ए प्लस आर हो जाएगा तो लिख दिया ए प्लस आर की स्क्वायर बराबर
ओसी, ओसी कितना हमारा ए ही है, तो ए की स्क्वायर। ओपी हम निकाले, ओपी का मान क्या था, 2a माइनस आर की होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब इसकी वो स्क्वायर बोलेंगे तो क्या हुआ, पहले की स्क्वायर प्लस दूसरे की स्क्वायर प्लस 2ar बराबर, ये तो क्या हुआ ए स्क्वायर ही होगा। फिर इसकी बात करते हैं, यहां माइनस वाला था x माइनस y की वर्स स्क्वायर मतलब पहले की स्क्वायर है कि 4a स्क्वायर, फिर दूसरे की स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 4 4ar हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4ar हो जाएगा। फिर देखा ये वाला इसे हट जाएगा और ये वाला इसे हट जाएगा, ये माइनस का इधर आए तो क्या हुआ 2ar प्लस क्या हो जाएगा 4 4ar बराबर में क्या है आपके पास 4a स्क्वायर, ये हो गया 6ar बराबर में 4a स्क्वायर, a से क्या हुआ ये वाला इसकी स्क्वायर कट जाएगा, तो 6r बराबर क्या है 4a, 4a किसको माना हुआ मैंने, 4a किसको माना ab को माना हुआ है, तो 6r बराबर क्या हुआ 4a की जगह लिख दूंगा मैं ab, आप भी दिनांक की a, हां 4a बराबर क्या है ab, ये हमने माना हुआ था ना, तो फिर r बराबर क्या होता है 1 बटा में 6 ab आया, ये हमें सिद्ध करना था। अब इसका लास्ट सवाल देख लेते हैं और सर्कल खत्म करते हैं आज। इसमें भी एक वर्त है और इसकी एक स्पष्ट रेखा है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास P और Q, इसको नाम दिया A, उसके बाद ये हमारे पास क्या हुआ एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है ऐसे, A इसको नाम दिया B, इसको नाम C और इसको नाम दिया D, ये इसका क्या है A को मिलाया हुआ है C के साथ, इसका केंद्र मान लो O है, क्या है O, B को मिलाया हुआ है D के साथ, और कहा हुआ है कि ये AC, AC कौन C को क्या करती है समद्विभाजित करती है, AC कौन C को क्या करती है समद्विभाजित करती है, तो अगर आप इसी करके दिखाओ कि BD समांतर है किसके PQ के, BD समांतर है किसके PQ के, देख देते हैं जो दिया है, दिया केंद्र ओ वाले वर्त की स्पर्श रेखा पी क्यू वर्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। अब देखो इसके बाद ये तो हमें दिया हुआ है और साथ में भी दिया चक्रीय चतुर्भुज लिखना पड़ेगा, दिया है तथा ए बी सी डी इसका ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए सी कोण ए सी को समद्विभाजित करता, इतना कुछ समझ लिया, प्रश्न भी साथ में मान लो दिया है, ये सारी की बात है और आपको लिख दिया मैंने। अब बात करते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना कि क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू समांतर है किसके बी बी के, अब ये रेखा इसकी समांतर होगी या तो क्या बने संगत कोण बन जाए जहां पर क्या बनते हैं एकांतर कोण बनते हैं, हम देखते हैं क्या बनता है, देखो आप उपय पथ इनको नाम दे देते हैं, इसको नाम दिया एक, इसको नाम दिया दो, इसको नाम दिया मैंने तीन, इसको दे दिया मैंने चार, हमें दिया हुआ है कि कोण एक बराबर क्या कोण है दो है। अब देखो कि यहां कोण एक बराबर है कोण दो क्यों है, क्योंकि ए सी कोण सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित
करता, ये केस नंबर एक। फिर देखो कि कौन तीन बराबर है कि एक बराबर क्या होगा, कौन चार होगा, ये कौन एक और चार क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि एक ही जीवा, एक ही जीवा कौन सी ए बी द्वारा क्या, एक ही जीवा ए बी द्वारा पृथ्वी पर, पृथ्वी पर अंतरित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर दो। इसी प्रकार लो सेम कार्ड, इसी प्रकार कौन दो बराबर क्या हो जाएगा, कौन है तीन हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर तीन। इसे लिख दिया बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब देखो इसकी एक साइड क्या हो रही है बराबर एक से, तो दूसरी साइड में क्या होगी बराबर, इसलिए कौन तीन बराबर क्या हो गया, कौन है चार, ठीक है, कौन तीन बराबर क्या और कौन है चार हो गया। अब देखो ध्यान से इस कौन को नाम देते हैं ध्यान से कि कौन बी ए क्यू बराबर होगा कौन चार, कारण क्या देखोगे एकांतर अभिप्रमेय की हमने याद है ना, एकांतर वर्तखंड में जीवा द्वारा बनाए गए कौन, ठीक है, हमने याद किया था तो एक था यहां पे क्या था तीन था वो बराबर था, है ना। अब देखो इसलिए क्या हुआ कि कौन बी ए क्यू बराबर क्या हो गया कौन है तीन हो जाएगा, कि मान लो इसको नाम ले दिया चार, इसको ले दिया आपने पांच, तो क्या हुआ बाई इक्वेशन फोर एंड फाइव, तो कौन तीन बराबर क्या हो गया हमारे पास, कौन ये हो गया। अब देखो ध्यान से ये वाला कौन इस कौन के बराबर हो गया, क्या बन रही है यहां पर जेड की आकृति बन रही है, अर्थात यह है एकांतर कौन युगम है। अब जेड की आकृति बनती है मतलब ये वाला कौन इस कौन के बराबर हो रहा है, मतलब ये क्या दोनों समांतर होती है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि डी बी समांतर है किसके पी क्यू के, यही तो हमें सिद्ध करना था।